हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आज आप सभी के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट एक्चुअली हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल सीमेंट हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, वर्ड से तो खैर आप जानते होंगे, बट आइए यहाँ पर देखते हैं। नेचुरली सीमेंट जो हमारा है वो है फर्स्ट नंबर में हमारा नेचुरल सीमेंट। कहता है दिस टाइप ऑफ सीमेंट कैन बी ऑब्टेंड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग 20-40% क्ले एंड क्रश्ड इनटू पाउडर। कहता है क्या यह नेचुरल सीमेंट जो है, इस प्रकार का सीमेंट जो है, इसमें हमारा क्या होता है, जलाया जाता है। इसको लाइम स्टोन जिसमें 20-40% हमारा क्ले होता है, ठीक, और बाद में फिर उसको क्रश किया जाता है पाउडर के रूप में, मतलब उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, चूर देते हैं, पीस देते हैं, ठीक, और वो हमारा पाउडर क्या कहलाता है, दिस पाउडर इज नोन एज द नेचुरल सीमेंट, ठीक। फिर कहता है इट इज ब्राउन इन कलर एंड सेट वेरी क्विक व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। कहता है क्या जब इस पाउडर को किसके साथ, हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक, तो हमारा क्या होता है, सेट क्विक कर जाता है। क्या होता है, सेट क्विक कर जाता है। तो नेचुरल सीमेंट समझ में आया होगा कि नेचुरल सीमेंट हमारा क्या है, एक प्रकार का लाइम स्टोन का जला हुआ पतला फॉर्म या पाउडर फॉर्म में मटेरियल है, ठीक, जो कि हमारा क्या करता है, ब्राउन कलर देता है, और उसको पानी के साथ अगर मिलाते हैं तो क्विक सेट भी कर जाता है, ओके। फिर आपका दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड मतलब क्या, हम अब बनाते हैं नेचुरली, क्या हमारा ये भी हम ही अब बनाते हैं, बट ये हमारा कहा जाता है क्या, थोड़ा समझिएगा, रॉ मटेरियल कोई हमारा क्या होता है, इजिली अवेलेबल होता, कोई हमारा क्या होता है, इजिली अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे नेचुरली में हमारा जो है ना, ये नेचुरल रूप से लाइम स्टोन को मिलता है। यह क्या है, सिर्फ नेचुरल मटेरियल से मेरा नहीं हो रहा है, इसमें और हम अदर मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल सीमेंट क्या है हमारा। कहता है इट इज ऑब्टेंड बाय बर्निंग ए मिक्स ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। कहता है क्या ये जो हमारा है ना आर्टिफिशियल सीमेंट, ये हमारा कैसे मिलता है। कहता है कि दो प्रकार का मटेरियल हमारा होता है, वह दो प्रकार का कौन कौन मटेरियल है हमारा आर्टिफिशियल में, दो प्रकार का है, एक हमारा कैलकेरियस है, दूसरा आर्गिलेशियस है। कैलकेरियस और आर्गिलेशियस को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे मटेरियल बनता है, फॉर्मेशन होता है न्यू मटेरियल का, उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, जलाते हैं, पकाते हैं, बर्निंग करते हैं, ठीक, या बर्निंग भी कह सकते हैं उसको, हीट नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको बर्निंग करते हैं। बर्निंग कराने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा जो बाहर मटेरियल निकलता है उसको क्लिंकर कहते हैं, और इसी में हम थोड़ा सा जिप्सम को मिला देते हैं ना, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जिप्सम मिलाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये फाइनल जिप्सम मिला के इसको हम क्लिंकर को पुनः ग्राइंडिंग कर देते हैं, ठीक, GRAINDING, पुनः ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो हमारा फाइनली क्या मिल जाता है, फाइनल में सीमेंट मिल जाता है। आइए अब देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में बोला आपको कि हम कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल को जब मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद वेरी हाई टेम्परेचर पे उसको पकाते हैं, जलाते हैं, बर्निंग कराते हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट प्राप्त होता है। फिर इसमें हमने यहाँ पे ऐसे पॉलिसी को देख लीजिए एक बार फिर से, हमारा क्या हो गया यहाँ पे आर्टिफिशियल के रूप में कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल हो गया, ठीक, इसमें हमारा क्ले होता है, इसमें हमारा लाइम स्टोन होता है, लाइम, ठीक, इन दोनों को आपस में मिक्स किए, मिक्स करने के बाद इसको हीट करते हैं, बर्निंग करते हैं, क्लिंकर मेरा निकलता है, क्लिंकर के साथ हम जिप्सम को ऐड करते हैं,
और फिर से ग्राइंडिंग कर देते हैं तो हमारा फाइनली सीमेंट मिल जाता है। मतलब आर्टिफिशियल सीमेंट आप समझ गए होंगे ये बनता कैसे है। फिर कहता है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। पहला आपका है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे कि ओपीसी के नाम से हम जानते हैं। यह तीन भागों में बांटा गया है हमारा, ओपीसी 33 ग्रेड, आईएस 269 43 ग्रेड, आईएस 81/12 1989। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमारा है जिसमें कि 81/12 इसका कोडिंग किया है, ये ईयर को शो कर रहा है। ये उस साल 1989 में ये डेवलप किया गया था जिसका कोडिंग इतना है सीमेंट का। अब सीमेंट का आईएस कोड में जाएंगे तो यहाँ पे इसको इस चीज़ से ढूंढेंगे, ये ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट आपको फाइंड आउट होगा। ये ओपीसी 33, ये जितना भी मैंने कोड के साथ लिखा ये टोटल कोड से आप जाएंगे तो आपको वो सीमेंट वहाँ पे जाकर मिलेगा कोड में। फिर हमारा है ओपीसी 53 ग्रेड, ये हमारा है आईएस कोड 12/269/1987, अर्थात ये भी उसी तरह से हमारा 1987 में इसका डेवलप किया गया है और ये हमारा कोडिंग इसका है। दूसरा नंबर हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा क्या है, आईएस कोड 8041/1980, आप समझ गए होंगे। फिर हमारा सल्फर असिस्टिंग सीमेंट आईएस 12/330/1988। फिर हमारा कलर्ड सीमेंट, इसमें व्हाइट सीमेंट भी आता है हमारा, आईएस कोड 8044/1989। फिर हमारा है ब्लास्ट फर्नेस सेलेक्ट सीमेंट, आईएस कोड 455/1989। छठा हमारा लो हीट सीमेंट जो कि आईएस कोड 12/600/1989 है। और लास्ट में हमारा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, मैंने लिख दिया पोजोलाना सीमेंट, जो कि 1489/1981 है। सीमेंट और कई प्रकार के होते हैं ठीक, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एसबीटी के अकॉर्डिंग मैंने ये रखा है आप लोगों के लिए ठीक, जो आपका सिलेबस मांगता है ठीक। आइए हम देखते हैं आगे सीमेंट के टाइप्स को बारी बारी से डिटेल में देखते हैं ठीक। फर्स्ट हमारा है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसी को हम ओपीसी सीमेंट कहते हैं ठीक, ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी में हमारा क्या है कहता है, ओपीसी सीमेंट जो है ना हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीमेंट है ठीक। जितना भी सीमेंट है उनमें से हमारा ओपीसी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का सीमेंट है, जिसमें भी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 60% ऑफ द सीमेंट यूज्ड इन द कंट्री इज ओपीसी। कहता है कि ओवरऑल सीमेंट जितना भी कंट्री में यूज होता है उसमें से 60% सीमेंट हमारा ओपीसी होता है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि ओपीसी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टाइप का सीमेंट है, जिसमें कि 60% ऑफ सीमेंट में से जो जितना इंडिया में ये कंट्री में हमारा यूज हो रहा है ठीक, उनमें से 60% सीमेंट तो हमारा ओपीसी यूज होता है ठीक। आगे देखिए कहता है इट हैज ए मीडियम रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड हीट जनरेशन। क्या कहा यहाँ पे, इट हैज ए मीडियम मींस मिडिल क्लास के रूप में या मिडिल अमाउंट में ठीक। इट हैज ए मीडियम रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, देखिए रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और हीट जनरेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, हीट जनरेशन की बात जब होगा तो हम समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि हमारा सीमेंट का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, जो कि हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है, हीट ऑफ एडिशन प्रोसेस कहलाता है। ऐसे प्रोसेस में हमारा क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है ठीक। फिर कहता है यहाँ पे अगर हमारा हीट जनरेट होता होगा तो हमारा स्ट्रेंथ भी क्या होता होगा, वहाँ पे डेवलप होता होगा। इसीलिए कह रहा है कि ये मीडियम रूप से हमारा क्या करता है, हीट को जनरेट करता है और स्ट्रेंथ को डेवलप करता है ओके। फिर हमारा है इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल सेटिंग सीमेंट, यह सीमेंट हमारा नॉर्मल सेटिंग सीमेंट भी के रूप से जाना जाता है, नॉर्मल सेटिंग सीमेंट ओके। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ओपीसी इज क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। BIS के द्वारा ओपीसी सीमेंट जो हमारा है तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कि ग्रेड ऑफ ओपीसी में हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा
ग्रेड 33 सेकेंड है हमारा, ग्रेड 43 सेकेंड, थर्ड में हमारा ग्रेड 53 ग्रेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा तीन भागों में पीसी को बांटा हुआ है, 33 ग्रेड 43 53 ग्रेड। ये 33 43 53 का मीनिंग पहले क्या है ये आप समझ लीजिए। कहता है कि जब हम इस ग्रेड ऑफ सीमेंट को क्या करेंगे, इस ग्रेड ऑफ सीमेंट को हम जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो हमारा इसमें जो 28 डेज का जो हमारा स्ट्रेंथ होगा वो इसके लिए 33 ग्रेड के लिए 33 मेगा पास्कल से, 43 ग्रेड के लिए 43 मेगा पास्कल से, और 53 ग्रेड के लिए 53 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेड ऑफ ओपीसी जो हमारा तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें 33 तथा 53 जो है, ये तीनों अपने आप का एक क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज का, और इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो इस ग्रेड में हमारा वो सीमेंट नहीं आएगा, जिसमें एक मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। तीन डेज में आपका कितना है, 16 है, किसका, 33 की बात कर रहा हूँ मैं, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात कर रहा हूँ, पीसी में तीन दिन का 16 है, 7 दिन का 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर या मेगा पास्कल, और 28 दिन हमारा कितना है, 33। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपका 33 से कम नहीं होना चाहिए। 43 के लिए है आपका 23 है तीन दिन का, 33 है 7 दिन का, 28 दिन का 43 है, और 53 का है हमारा 27 तीन दिन का, 37 सात दिन का, और 53 28 दिन का। आई होप आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है, बट इतना समझ तो आ ही गया होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात यहाँ किया गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हमारा है आप भी जान रहे हैं, हमारा कंक्रीट में जो है ना क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेट 90% होती है, और उस 90% का 10% जो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो कि बहुत ही कम कहा जाए, नेग्लिजिबल हो कहा जाए, इसीलिए हमारा अक्सर कंक्रीट जो है टेंशन में फेल कर जाता है, ठीक है। इसीलिए सीमेंट में अगर हमारा कोई स्ट्रेंथ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा के रूप में तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, कंक्रीट में बाइंडिंग एक्शन देने के बाद कंप्रेशन लोड सहने की क्षमता बढ़ा देता है। ओके, आइए अब हमारा देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ओपीसी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओपीसी क्या हमारा है, सबसे पहला हमारा फाइननेस, फाइननेस हमारा कितना 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। फिर हमारा है साउंडनेस, बाय लीच एट क्लियर हमारा है 10 mm। फिर हमारा बाय ऑटो क्लियर है 0.8%। फिर हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, जिसको 10 आवर हम बोले हैं, और इसका यूज जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वगैरह सब में करते हैं जहाँ की ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि बिल्डिंग है, ब्रिज है, फाउंडेशन है, ETC है, ठीक। तो आइए एक एक चीज़ को थोड़ा सा पकड़ के डिस्कस करते हैं, ठीक। आखिर ये फाइननेस क्या है, फाइननेस का मतलब कितना ज़्यादा महीन या पाउडर फॉर्म में है, क्या है फाइननेस, क्या बता रहे, कितना ज़्यादा महीन या पाउडर फॉर्म में है। जो भी हमारा सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा वो उतना ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 1 ग्राम सीमेंट जो है वो कवर करेगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को, कौन, ओपीसी, ठीक। जैसे कि फाइननेस को एक और टर्म में समझाना चाहूँगा कि फाइननेस मीन हुआ क्या, यहाँ पे मैंने बोला आपको स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा कवर करेगा, गेहूं का दाना और इसी गेहूं से बना हुआ आटा, ठीक, सेम हमारा एरिया है, ठीक। मान लीजिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये भी हमारा क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक। इसमें जो दाना हमारा है, मान लिया जाए कि इसमें दाना हमारा पूरा कवर कर रहा है, ठीक, 200 सेंटीमीटर एरिया को, तो जितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे हमारा इसका दाना का यूज हुआ है, इतना यहाँ इसके पार्टिकल का यूज नहीं होगा, अमाउंट में नहीं बट
वेट में, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाइन नहीं है, ये हमारा क्या है, फाइन नहीं है, ये हमारा क्या है, फाइन है। दो ये वेट में ज्यादा हो सकता है, ये वेट में हमारा क्या होगा, कम होगा। ये स्पेसिफिक एरिया कम, स्पेसिफिक एरिया कम कवर करेगा, ये स्पेसिफिक एरिया हमारा क्या होगा, ज्यादा कवर करेगा। तो यहां से ऐसे थेटी में कह सकते हैं कि गेहूं को अगर फैलाएंगे तो कितना फैलेगा, और हमारा आटा को फैलाएंगे तो कितना फैलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आटा मेरा ज्यादा फैलेगा, सेम अमाउंट रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगा, बराबर रहेगा, 100-100 ग्राम रहेगा, तो दोनों क्या बराबर फैलेगा क्या, नहीं। गेहूं हमारा कम फैलेगा, आटा मेरा क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। अर्थात आटा मेरा क्या है, फाइननेस वहां पे दे रहा है, गेहूं हमारा फाइननेस नहीं दे रहा, अर्थात आटा मेरा क्या है, फाइन मटेरियल है। ओके, आइए अब हमारा साउंडनेस है। साउंडनेस क्या है, साउंडनेस हमारा सीमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारा वॉल्यूम को क्या करता है, कॉन्स्टेंट बनाए रखता है, अन्यथा फिर अनसाउंड हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा, एक्सपेंड कर जाता है। तो यहाँ पे हम उस वॉल्यूम में बढ़ा या घटा उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ अपरेटस होना चाहिए ना, जिससे कि हम पता करेंगे कि हमारा साउंडनेस है या नहीं है, इसमें अनसाउंड हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये हमारा इसका जो भी मतलब कि कहा जाए इंस्ट्रूमेंट है वो क्या एक्यूरेट हमारा रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको लगा के चेक कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है साउंडनेस बाय ली चेटलियर। साउंडनेस जनरली में हमारा दो मशीन के द्वारा यूज किया टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमारा ली चेटलियर है और दूसरा हमारा क्या है, ऑटोक्लेव है। ली चेटलियर में कहता है कि 10 mm जो है ना इसका लिमिटेशन है कि 10 mm से हमारा ज्यादा साउंडनेस नहीं मिलना चाहिए, अगर 10 mm से ज्यादा हमारा साउंडनेस मिल गया, ग्रेटर देन 10 mm, तो ये हमारा सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम कई कारण से बढ़ेगा, वो कारण हम आगे देखेंगे, बट इतना याद रखिए कि इसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह ऑटोक्लेव से कह रहा है 0.8%, 0.8 न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, ठीक। ये हमारा 0.8% ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये 0.8% से हमारा ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन 0.8, ये भी हमारा क्या होगा, अनसाउंड हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कारण विभिन्न होगा वॉल्यूम बढ़ने का। फिर हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, मैंने आपको पहले बताया था जनरली इसको हमें सेटिंग टाइम के अंदर रखना चाहिए, ये हमारा क्या होगा, सेटिंग टाइम, जिसमें कि हमारा है 1 नंबर इनिशियल, 2 नंबर फाइनल है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा है, ऐसे पहले सेटिंग टाइम क्या होता है, तो सेटिंग टाइम हमारा सीमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी सीमेंट को क्या करता है, एक ऐसा टाइम का लिमिटेशन है जहां से वह पेस्ट धीरे 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 हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और एक ऐसा टाइम है जहां से क्या होता है, वह हार्डन स्टेज में चला जाता है, उसके ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक, डाल सकते हैं, या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हम फिर से पुनः कर सकते हैं स्टार्ट। मतलब वो एक जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है सेट होना, एक जहां पर जाकर सेट होना बंद हो जाता है, ठीक, अब वहां बाकी रह जाता है उसमें स्ट्रेंथ आना, और स्ट्रेंथ हमारा धीरे धीरे आते रहता है। जैसे कि देखिए आप 28 दिन में ओपीसी का स्ट्रेंथ हमारा था तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए 33, 47, 53, उसी तरह इसमें भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ आते जाएगा, कोई भी सीमेंट रहेगा तो, बट वह टाइम के लिमिटेशन क्या है जहां से कि हमारा सेटिंग टाइम सॉरी मटेरियल या सीमेंट पेस्ट या कॉन्क्रीट हमारा हार्डन स्टेज में जाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। अर्थात वह टाइम जो हमारा है वो 30 मिनट होता है, इनिशियल टाइम जिसे कहते हैं, ठीक। 30 मिनट तक में हमारा कोई भी सीमेंट पेस्ट वो हार्डन स्टेज में जाना पसंद करता है, और वह मैक्सिमम हमारा 600 आवर तक है, 600 मिनट तक है, जहाँ से कि हमारा क्या होता है, फाइनली वो हार्डन स्टेज में चला जाता है, 10 घंटे में हमारा वो क्या होता है, हार्डन स्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, अर्थात ये हमारा 30 मिनट जो है ये क्या हो गया, जमना यहां से स्टार्ट करेगा, जमना शुरू करेगा, जम जाएगा 10 घंटा तक में, ठीक। स्ट्रेंथ नहीं आएगा, स्ट्रेंथ बाद में हमारा आएगा, ठीक। स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, धीरे 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 टाइम जैसे बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे स्ट्रेंथ में आता चला जाएगा। इसका यूज तो देखिए आप, इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, जो हमारा बिल्डिंग है, ब्रिज है, फाउंडेशन है, ETC। ओके,
आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए अब हमारा नेक्स्ट दो नंबर में जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसे क्या RHC भी बोला जाता है, R से रैपिड, H से हार्डनिंग, C से सीमेंट। हमारा कहता है क्या, दिस सीमेंट सिमिलर टू द OPC। यह सीमेंट कैसा होता है हमारा, सिमिलर होता है किसका, OPC का, बट इट कंटेन हाइयर C3, हाइयर परसेंटेज ऑफ C3, ऐसे लिखो, हाइयर परसेंटेज ऑफ C3S एंड फाइन ग्राइंडिंग। कहता है कि यह सीमेंट जो है हमारा OPC की तरह होता है, ठीक है, सिमिलर, बट इसमें जो है ना हमारा C3S का मात्रा, मतलब वो क्विक हमारा सेटिंग टाइम घटा देने वाला या क्विक सेट कर जाने वाला, ठीक है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड यहाँ पे मौजूद होता है जिसे C3S के नाम से हम जानते हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, वो हमारे यहाँ पे हाइयर परसेंटेज के रूप में होता है, और यह सीमेंट जो होता है हमारा फाइन ग्राइंडिंग के रूप में होता है, ठीक, पतला फॉर्म में होता है, जो कि स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा छेकती होगी, ज़्यादा एरिया को कवर करता होगा। अर्थात यहाँ पे क्या हम देखें कि यह सीमेंट हमारा सिमिलर सीमेंट है OPC की तरह, जिसमें एक हायर परसेंटेज ऑफ C3S होता है और फाइन ग्राइंडिंग होता है। फिर कहता है हायर फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्शन विथ वाटर। अभी मैंने जैसे बोला आपको कि ये फाइननेस जो यहाँ पे हमारा फाइन ग्राइंडिंग, ये फाइननेस जनरली डिनोट कर रहा है, ये हायर फाइन है, ठीक, ज्यादा फाइन किया, फाइन ग्राइंडिंग मतलब ज्यादा फाइन किया हुआ है इसको। अगर ये हमारे यहाँ कह रहा है कि हायर फाइननेस जो होगा वो सीमेंट पार्टिकल को क्या करेगा, प्रोवाइड करता है ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्शन विथ वाटर। मतलब मान लिया जाए कि ये हमारा जो है ना, ये क्या है, कंक्रीट पेस्ट बना हुआ है, ठीक, जिसमें कि हमारा यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर भी है, ठीक। अब देखिए थोड़ा देर के लिए, वाटर है तो हमारा क्या, वो सीमेंट के पेस्ट के साथ हर एक लेयर पे, हर एक पार्टिकल, हर एक इंग्रेडिएंट पे गया होगा, इसके ऊपर भी वाटर हमारा आया होगा, छेका होगा ऐसे, इसको बॉन्डिंग बनाएगा ना इसके साथ, ये किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जो स्पेसिफिक एरिया इसका है, अगर सीमेंट पेस्ट ज्यादा पतला होगा तो पानी के साथ क्या होगा, ज्यादा घुल जाएगा, अब पानी के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्पेसिफिक एरिया पे कवर करेगा, ठीक। अगर यही सीमेंट आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब कि मोटा है, मतलब कि वो उतना फाइन नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक, और वो उतना फैलेगा नहीं, उसका स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा दिखेगा नहीं मुझे। ये यहाँ पे एक्चुअली में होता है, एक दूसरे का कवरिंग करता है हमारा सीमेंट पार्टिकल, एक एक सरफेस एरिया पे जाके उसको कवर करता है। तो वही यहाँ लिखा है, प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्शन विथ वाटर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देता है हमको पानी से हमारा एक्शन करिए, रिएक्शन करने के लिए। और यहाँ पे देख ही लिए होंगे, जब यहाँ पे पानी चढ़ रहा है सीमेंट का मॉलिक्यूल भी चढ़ा होगा, जितना इसका स्पेसिफिक एरिया उतना एरिया पे ये क्या होगा, सीमेंट और वाटर का मॉलिक्यूल हमारा आपस में रिएक्शन करता होगा। आइए आगे, स्पेसिफाइड सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब इसका फाइननेस जो है हमारा क्या है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, जहां कि हम बता सकते हैं एक ग्राम सीमेंट जो है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा, उसको छेकेगा, ठीक। फिर कहता है इट गेन स्ट्रेंथ मोर देन OPC। अब देखिए जहां बात आ रही है C3S की, ये C3S तो हम जान ही रहे हैं, हम बोगस कंपाउंड में पढ़े थे कि C3S जो हमारा कैसा कंपाउंड है, केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ज्यादा ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस जब करेगा तो स्वाभाविक सही बात है, OPC आपका जनरल सीमेंट था उससे ये कुछ हटके है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा दे रहा है, तो हमारा क्या होता होगा, हाई हीट हाइड्रेशन होता होगा, इसीलिए यहाँ कह रहा है कि ये हमारा जो है ना OPC से ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, गेन करता है। फिर कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ RHC इन 3 days इज इक्वल टू 7 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC विथ सिमिलर वाटर कंटेंट, सिमिलर वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए मैं आपको बताया था शुरू में, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है कंक्रीट क्या है, उसमें मैंने बताया था इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था,
वो सीमेंट और वाटर का रेशियो था, वाटर सीमेंट रेशियो डब्ल्यू बाई सी हमारा था ठीक। ये वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जिस भी ग्रेड का आपको कंक्रीट बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग ये हम रेशियो डालते हैं। कहता कि ये हमारा जो रेशियो है वो ओपीसी के लिए भी वही है और आरएचसी के लिए भी वही है। दोनों को देखा जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना इसमें ज्यादा हमारा प्रोड्यूस करता है, इसमें कम करता है, इसीलिए इसका तीन दिन का जो है ना स्ट्रेंथ इसके सात दिन के स्ट्रेंथ के बराबर होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है ओपीसी से, और जब ज्यादा होगा तो इसमें हमारा स्ट्रेंथ भी क्या होगा ज्यादा होगा। कहता तीन दिन का स्ट्रेंथ जो है ना रैपिड हार्डनिंग का वो सात दिन के स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर होता है। ओके फिर आगे हमारा ये कहता आफ्टर 19 डेज आरएचसी एंड ओपीसी इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब ये हमारा यहाँ पे कर रहा है वर्क अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट कर रहा है, ये भी अपना वर्क कर रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट कर रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन मोर प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट क्या है C3S है, लेकिन लेटर स्टेज में जाके ये दोनों आपस में क्या होता है 90 दिन में सेम स्ट्रेंथ पे आ जाता है। ओके फिर कह रहा है यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपको सब समझा हुआ है ठीक, इसमें जो डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा मैं, फाइनेंस जान ही रहे 3250 का है, लीचेट लेयर 10 है, 0.8 है, ये हमारा सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, इनिशियल फाइनल हमारा 600 मिनट 10 घंटा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यही देखिए यहाँ पे तीन दिन का हमारा ये आरएचसी का है जी ठीक। ये देखिए यहाँ पे तीन दिन का 27 दिन में आ जाता है, सात दिन में 28 नॉट स्पेसिफाई, इसका स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब ये 90 डेज में जो है हमारा ओपीसी के बराबर हो जाएगा। फिर हमारा यूज कहता है कि इसका यूज जो है ना हम फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं ठीक। दूसरा हमारा कहता है रिपेयरिंग रोड, जैसे कि हमारा रोड वगैरह हम खराब हो गया ठीक, हमको रात्रि में इसको फटाफट रिपेयर करके सुबह मॉर्निंग में छोड़ देना उस पर ट्रैफिक चलने के लिए, ऐसे कंडीशन में हम ओपीसी आरएचसी सीमेंट यूज करेंगे ठीक। कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे। तो इसका यूज जो हमें रोड में भी करेंगे और एयरबेस में भी करेंगे, एयरबेस आप समझिए रहे हैं, एयरपोर्ट का जो रोड हमारा है रनवे जिसको कहते हैं, कोल्ड वेटर कंक्रीटिंग क्या होता है, अब देखिए कोई हमारा ठंडा इलाका है ठीक, उस इलाके में हमारा बर्फ पड़ता है, जैसे हमारा कुल्लू मनाली आपका जम्मू श्रीनगर लद्दाख इन सभी जगहों पर अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे ओपीसी आपको जल्दी वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनको जमने में टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप वर्क करते हैं तो मतलब कि आरएचसी को लेके ये हमारा क्या होगा क्विक सेट कर जाता है, जब क्विक सेट करेगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पे यही सीमेंट प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि टाइम कम लग रहा है स्ट्रेंथ वही दे रहा है, 90 दिन में जाके ओपीसी के बराबर हो ही जाएगा। फिर कह रहा है हमारा वेयर होमवर्क इज टू बी रिमूव अर्ली फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। मान लिया जाए कि मैं ये कॉलम बनाया ठीक, आज मैंने डाला है इसको ठीक, और अगर ओपीसी मैं यूज किया है इसमें तो ओपीसी यूज करने के बाद हमारा क्या होगा, ये दो दिन तीन दिन में हमारा स्ट्रेंथ में आता फिर इसके ऊपर हम डालते हैं। अब यहाँ पे आरएचसी हम डाल दिए हैं, ये क्या किया है दिने भर में स्ट्रेंथ में आ गया, हम इसको दूसरा कंस्ट्रक्शन कर देंगे ना, तो यहाँ जो हम सेंटरिंग का काम किए थे फ्रेम जो बना कर दिए थे इसमें उस फ्रेम को खोल के यहाँ लगा सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया फॉर्म वर्क को जल्दी रिमूव करना हो गया, एक दूसरा यही वर्क हुआ था उसके बाद ये वर्क हो गया, वर्क में स्पीडी आ गया ना, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी रिमूव अर्ली फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। ओके आइए हमारा एडवांटेजेज, एडवांटेज मतलब इसका क्या बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स में हम देखते हैं सबसे पहला क्या कि ये हमारा सीड जो है ना रैपिडली लगातार रूप से पटाख सेट कर जाता है ठीक तेजी से। फिर कहता है इट इज लाइट इन वेट, मतलब ये हमारा हल्का होता है वेट में ठीक। अब तीसरा हमारा है इट इज नॉट डैमेज इजली, ये हमारा इजी रूप में डैमेज नहीं होता है। चौथा हमारा इट रिक्वायर शॉर्ट पीरियड ऑफ क्यूरिंग, आप जान रहे हैं कि ये हमारा जब जल्दी सेट कर जा रहा है स्ट्रेंथ वही दे जा रहा है 90 दिन में जाके, तो हमको यहाँ पे क्यूरिंग करने की आवश्यकता कम होती होगी ठीक, इसलिए यहाँ पे पानी की मात्रा हम इसमें कम देते हैं जब जम जाता है ये हमारा 10 घंटा के बाद, इसमें पानी जब हम क्यूरिंग देते हैं ये प्रोसेस हमारा नहीं होता है यहाँ पे, होता है बस कम होता है। एला हाइयर पर्मिसिबल स्ट्रेस इन द डिजाइन, जो भी इसका डिजाइन है जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना ठीक, उस स्ट्रक्चर पर कोई लोड अगर आता होगा ठीक तो क्या करता होगा ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी करता है कर सकता है। इट ऑब्टेंड स्ट्रेंथ इन ए शॉर्ट पीरियड, और आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है
शॉर्ट पीरियड में इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी लेक्चर आपका चला, मैं काफ़ी ज़्यादा इसको विस्तार से समझाने की कोशिश किया। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको इसमें क्या कठिनाई आई। ओके, थैंक यू।